वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी एवरीवन। देखिए 65 बीपीएससी के टेस्ट सीरीज़ है और टेस्ट नंबर 28 है। 27 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। टेलीग्राम को और सब्सक्राइब कर लेना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। भारत के किस राज्य में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ पाने के लिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं, बताइए। सर्वाधिक चीनी मिले किस राज्य में भारत में, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। और गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो चीनी मिलों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो चीनी मिले हैं वो देखिए महाराष्ट्र में 170 हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है उसमें 158 है, उसके बाद कर्नाटका में 58 हैं, फिर आंध्र प्रदेश में 43 हैं। ये चारों का क्रम घटते हुए क्रम में याद रखिए, तमिलनाडु में 41 हैं, बिहार में 28 हैं, पंजाब में 23, गुजरात में 23, हरियाणा में 15, मध्य प्रदेश में 12, उत्तराखंड में 18। क्वेश्चन नंबर 2 है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा है कोयला दहन से कम से कम 60% सल्फर का उत्सर्जन होता है, और पेट्रोलियम पदार्थों से 30% और बाकी से 10% निम्न स्रोतों में से, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, स्वांगीकरण दक्षता, प्रकाश संश्लेषण दक्षता, सकल उत्पादन दक्षता या पारिस्थितिक दक्षता। तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक दक्षता। तो देखिए पारितंत्र में निचले स्तर पर प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का अनुपात पारिस्थितिक दक्षता इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहलाता है। और पारिस्थितिक दक्षता को लिंडरमैन ने सर्वप्रथम कब 1942 में परिभाषित किया था। और लिंडरमैन का जो नियम है वो ये कहता है कि एक पोषण स्तर से जब ऊर्जा दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अगले पोषण स्तर में पहुंच पाता है, जिसे 10 दक्षता का नियम या 10% या 10% का नियम कहते हैं। ज्ञातव्य है कि पारिस्थितिक दक्षता को पोषण स्तर दक्षता भी कहा जाता है। ये नाम याद रखिए, लिंडरमैन वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिक तंत्र में पोषकों के निवेश मतलब न्यूट्रिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। मृदाजनक पदार्थों का अवक्षेण, वर्षा, आग, फसलों की कटाई और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बताइए उपरोक्त में से कौन से सही हैं। कौन कौन से हैं जो पोषकों के निवेश मतलब न्यूट्रिएंट में सहायता करते हैं, तो वर्षा भी करती है, आग से तो ख़त्म हो जाएंगे ना फसलों की कटाई से बर्बाद, मृदाजनक पदार्थों का अवक्षेण और वर्षा, नाइट्रोजन यौगीकरण। तो 1-5 हो जाएगा इसका आंसर, 1-5। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में पोषकों का आगमन कई स्रोतों से होता है, जैसे वर्षा द्वारा घुली हुई अवस्था में और वायु में उपस्थित पोषक मतलब जो शुष्क जमाव है, धूल कणों द्वारा, सहजीवी जीव द्वारा, नाइट्रोजन यौगीकरण। इसके अतिरिक्त मिट्टी जनक पदार्थों के अवक्षय होने से पोषक तत्व अपनी स्थायी अवस्था से बाहर पर्यावरण में मुक्त होते हैं, जो निवेश पोषक निवेश का कारण बनते हैं। कुछ ऐसे भी कारक हैं जिसे पोषक तत्व पारिस्थितिक तंत्र से निर्गत हो जाते हैं, जैसे आग हो गया, फसलों की कटाई, वनों से लकड़ी की ढुलाई और विनाइटीकरण आदि। देखिए धातव्य है कि मिट्टी से पोषक तत्वों का हस्तांतरण अवशोषण प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था, इम्पोर्टेंट है। पांचवी पंचवर्षीय योजना बहुत पूछा जाती है, गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले और वर्तमान जो जैसे उत्तराखंड हो गया है, मिकिर पहाड़ियाँ, असम की उत्तरी कछारी की पहाड़ियाँ
और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग ज़िला है, तमिलनाडु का नीलगिरी आदि मिलाकर कुल 15 जिले शामिल हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आईटीडीपी। आईटीडीपी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है आईटीडीपी? ये समन्वित जनजातीय परियोजना है, समन्वित जनजातीय परियोजना है, इंटरग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य अत्यंत पिछड़े गद्दी जातीय मतलब जनजातीय के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच विकास के स्तर में अंतर को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, कौमा कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों, कौमा जनजाति एवं पिछड़े वर्गों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था? तो यह ऐसा 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था और पर्वतीय क्षेत्रों का विकास 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से भारत के किस एक केंद्र शासित राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? किसकी है बताइए, थंबनेल का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की जो महिला साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है? तो अभी 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं भारत में, पहले 7 थे, तो अभी भी अगर देखा जाए तो 9 के हिसाब से ही चला जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है सबसे ज़्यादा। कहाँ पर है? लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, और लक्षद्वीप के पास है चंडीगढ़ का सेकंड है, और पुदुचेरी का थर्ड है, और दिल्ली का फोर्थ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में जो स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है वो सबसे ज़्यादा है कहाँ पर है? लक्षद्वीप में 88.25% है। उसके बाद आता है स्थान चंडीगढ़ का, दूसरा स्थान है चंडीगढ़ में है, देखिए अंडमान निकोबार का है तीसरा स्थान, मतलब ऑप्शन के हिसाब से चंडीगढ़ का दूसरा, वैसे अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर है 81.84, और चंडीगढ़ का है तीसरा 31.38, और चौथा हो गया किसका, चौथे पर है दिल्ली, सॉरी चौथे पर है पुदुचेरी मतलब 81.22, और पांचवें पर है दिल्ली 80.93। तो याद रखिए अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए तो पहला स्थान यहाँ पर चंडीगढ़ है, सॉरी लक्षद्वीप है, दूसरा स्थान यहाँ पर चंडीगढ़ है, तीसरा यहाँ पर पुदुचेरी और चौथा दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 9 है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सर्वाधिक होगा? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमनद्वीप या चंडीगढ़ बताइए। तो पुदुचेरी का सबसे ज़्यादा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात आंकड़ा इस प्रकार है, यह है केंद्र शासित प्रदेश और यह है लिंगानुपात। तो सबसे ज़्यादा है पुदुचेरी का, कितना है, 1,000 पुरुषों पर 1,038 महिलाएं हैं, और दूसरे स्थान पर आता है लक्षद्वीप, 1,000 पुरुषों पर 946 महिलाएं हैं, और तीसरा स्थान आता है अंडमान एवं निकोबार का, 1,000 पुरुषों पर 878 महिलाएं हैं, और चौथा स्थान आता है चंडीगढ़ का, सॉरी तीसरा स्थान आता है चंडीगढ़ का, 1,000 पुरुषों पर 880 महिलाएं, और चौथे पर अंडमान निकोबार, 1,000 पुरुषों पर 878 महिलाएं। तो पुदुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं दमनद्वीप में सबसे कम लिंगानुपात है, याद रखिए। तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में जो सेक्स रेशियो है वो पुदुचेरी में है नंबर 1 पे, वॉर्थ और वॉस्ट है दमनद्वीप पर सबसे कम 618। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश था, यहाँ राज्य पूछा है, तो राज्य है राजस्थान की सबसे कम है, अंतर भी सबसे ज़्यादा यहीं है। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार
राजस्थान में स्त्री शिक्षा दर 52.66% सबसे कम है, केरल में सर्वाधिक है 91.98%। पुरुष साक्षरता दर लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है 96.11, और सबसे आगे पहले स्थान पर लक्षद्वीप ही है तथा बिहार में 73.391 सबसे पीछे। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? तो इनमें से टिस्को थी पहली, टाटा लोह इस्पात कंपनी टिस्को। तो टाटा लोह इस्पात कंपनी टिस्को 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित की गई भारत की पहली लोहा इस्पात कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात राज्यों में लोह उद्योग के ना होने का मुख्य कारण क्या है? इनमें से बताइए। तो यह कच्चा माल की उपलब्धता ना होना। देखिए, चूंकि उद्योग की स्थिति कई कारकों जैसे कच्चा माल की उपलब्धता, शक्ति, बाजार, पूंजी, यातायात, श्रम आदि द्वारा प्रभावित होती है आर्थिक दृष्टि से, और निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो और परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में लौह अयस्क के लिए कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है। कच्चा माल दक्षिणी व खासकर भारत के पूर्वी राज्यों में है। यही कारण है कि पूर्वी एवं दक्षिणी राज्यों में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति है। इंपॉर्टेंट है पूरी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में शैवालस्पन पाए जाते हैं कहाँ पर? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं ये, इसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियों में भी हैं, पालनी पहाड़ियों में भी हैं, विंध्याचल में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 134D। तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलाज वनों के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में लेरेल, सिनकोना, वेटल और मग्नोलिया। मग्नोलिया, लेरेल, सिनकोना और वेटल आर्थिक महत्व के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैग्रोव वनों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक होते हैं? बताइए। जो मैग्रोव वनस्पति होती है वो पनपती है पंख मैदानों में, और ज्वारीय संकरी खाड़ी होनी चाहिए, लवणीय दलदल होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा। वर्षा, देखिए पानी का इसमें कोई रोल नहीं है, गलत है। थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट करिए, इसका आंसर हो जाएगा 124। तो वर्षा की मात्रा का मैंग्रोव वनों के विकास के साथ कोई भी सीधा संबंध नहीं है। मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए लवणीय दलदल होनी चाहिए, ज्वारीय संकरी खाड़ी होनी चाहिए, पंख मैदानों और ज्वारनमुख तटीय क्षेत्रों में अच्छी तरह उगती है। मैंग्रोव वनस्पति भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, विचार करना और बताना कि कौन सा कथन उनके लिए सत्य है। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट, सबको पता होगा, और पूर्ण स्वराज की इसमें मांग की गई थी, ये भी करेक्ट है। इसकी अध्यक्षता भी सभी को पता होगा, वल्लभ भाई पटेल ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू ने की थी। तो सेकंड को करिए एलिमिनेट, आंसर हो जाएगा इसका 13। तो 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना पहला वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था, पहला जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुना जाना जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था, युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था, और दूसरा पूर्ण स्वराज तथा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा इसमें की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जे एम सेन गुप्ता ने किया था ये। देखिए, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन जे एम सेन गुप्ता ने किया। नंबर 17 है, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? कौन सा था इनमें? सूरत था ये। तो भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत था। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में, तापी नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मद्रास के माइलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो माइलापुर और ट्रिप्लिकेन क्या थे? ये व्यापारिक केंद्र थे या बंदरगाह थे या शिल्पकला केंद्र थे या हिंदू धार्मिक केंद्र थे? बताइए।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास के माइलापुर और ट्रिपली के अनुष्ठानों का संबंध हिंदू धार्मिक केंद्र से था। बाद में आरकोट के नवाब ट्रिपली केन में जाकर बस गए, जो बाद में मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया ट्रिपली केन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया, किसने किया था ऐसा? ये वेलेचली ने किया था, नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेचली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया गया। इसके बाद जन स्वास्थ्य एक विचार बन गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया? तो ये 1878 में किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसको। सर्वेंट ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 1878 में किया गया। इसका कार्य सर्वेक्षण द्वारा नक्शे तैयार करना। तो 20 क्वेश्चन थे ये, 17 तक स्कोर है, तो तैयारी अच्छी है। 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश PCS का 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिए। BPSC वाले BPSC प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ UPPSC के टेस्ट सीरीज़ को भी दोहराएंगे, UPPSC वाले BPSC को दोहराएंगे। इंटरचेंज कर लेना, इंपॉर्टेंट होंगे बहुत सारे प्रश्न, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, और बाकी करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना PDF के लिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टेलीग्राम का नोटिफिकेशन यूट्यूब के ऐप नोटिफिकेशन से भी तेज है, इसलिए इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं उन सबका जो लिंक है प्लेलिस्ट बना रखी है, और हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।